फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सहजन की फली की सब्जी यानी कि ड्रम स्टिक, जिसे हमने बनाया है आज आलू के साथ। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये सब्जी कितनी हेल्दी और टेस्टी है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ड्रम स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दी है। इसमें हम 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। यहाँ मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रम स्टिक को हमने छिल लिया है, छिलकर धो लिया है। फ्रेंड्स, ये आधा किलो ड्रम स्टिक है यानी कि सहजन की फली, जिसे हमने छिला था। तो छिलने के बाद इसका जो छिलका निकला है उसे ये 400 ग्राम के लगभग रह गई है। जैसे ही ऑयल गर्म हो, सहजन की फली को हम इसमें डाल देंगे। कढ़ाई को हम 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा प्याज लिया है, 12 से 15 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन्हें हम ग्राइंडर जार में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। इसे हम एक जार में डाल लेते हैं और पीसे मसालों में हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 2 स्पून। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो गरम मसाला है इसे हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम नहीं डाल रहे, क्योंकि जब सब्जी बनने वाली होगी तब गरम मसाले को हम ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना देते हैं। हमने इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। 2 मिनट हो चुके हैं, हम फलियों को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सैलो फ्राई हो गई हैं, इन्हें हम बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने कई तरह की सहजन की फली की सब्जी खाई होगी, लेकिन आप आज आलू के साथ सहजन की फली की सब्जी खाइए, तब आपको पता चलेगा ये सब्जी कितनी हेल्दी और टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, सब्जी बचा हुआ जो ऑयल है, इसमें हम ये आलू हैं, ये छोटे छोटे से 3 आलू लिए थे, इसे हमने कट कर लिया है। इसे भी हम ऑयल में डाल देते हैं। इन्हें भी हम हल्का सा सैलो फ्राई कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, हम आलू को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू को बीच बीच में हमने इस प्रकार फ्राई कर लिया था, ये भी हल्के से सैलो फ्राई हो गए हैं। इन्हें भी हम फलियों के साथ निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में हम 1 बड़े चम्मच के लगभग ऑयल डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने ऑयल ले लिया है। ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए, इसमें हम डाल देते हैं ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, जिसमें हमने सारे पीसे मसाले मिलाए हैं। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और कढ़ाई को हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम कवर उठाकर चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसाले में भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसे हम थोड़ा मिक्स कर देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हींग। फ्रेंड्स, मसाला भुनने के बाद जो अगर आप हींग डालते हैं तो जो हींग की खुशबू है काफ़ी देर तक बनी रहती है। इसे हम मिक्स कर देते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कवर कर देते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम मसालों को फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। मैं टमाटर नहीं डाल रही, मैं उसे स्किप कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद इसे आप इस प्रकार से मिक्स कर दीजिए। जब ग्रेवी
एकदम स्मूथ बन जाए तब उसमें हम डाल देते हैं ये सहजन और आलू। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हम फिर से 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मसाला और फली और आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी। फ्रेंड्स, ये हम ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं, थोड़ी रसदार। ये हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है और मसालों को चारों तरफ से अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर देते हैं। गैस की फ्लेम को अभी हमने हाई कर दिया है और कढ़ाई को हम कवर कर देते हैं। जैसे ही उबाल आएगा हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। जब तक सब्जी में उबाल आ रहा है तब तक हम ये धनिया है इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही गर्मी आने लगी है जो धनिया का कलर है वो भी चेंज हो गया है। 2 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं कम। फ्रेंड्स, मेरा मानना है जैसे ही सब्जी में उबाल आता है तो उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं। जब सब्जी धीरे धीरे पकती है तो उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ता जाता है, इसलिए हमने गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर दिया है और कढ़ाई को हम फिर से हाफ कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम इस प्रकार से पकने देते हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हम अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सब्जी थी वो काफ़ी ठीक होने लगी है, अच्छे से सब्जी में उबाल आ चुका है। इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम कर देते हैं गैस की फ्लेम को बंद और इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया और इसे हम एक बाउल में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास तक पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।